शिवाय नमस्तुभ्यम्। महादेव दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोचिया करू में। दर्शकों, इस वीडियो में आज आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय बताएंगे जो आज की कथा में आपको पूजनीय पंडित जी बताए हैं। दर्शकों, पूजनीय पंडित जी की शिव महापुराण कथा जो महाराष्ट्र में परतवाड़ा जिले में चल रही है, वहाँ पे आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। दर्शकों, पूजनीय पंडित जी की जो भी व्यक्ति कथा सुनता है, शिव पुराण की कथा सुनते हैं और उनके उपाय को करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। आप सभी भाई बहन को पूजनीय पंडित जी की तरफ से अक्षय तृतीया की बधाई दी गई। सबसे पहले आज की कथा में दर्शकों, पूजनीय पंडित जी आज की कथा में बताए हैं कि आप यदि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे एक लोटा जल समर्पित करते हैं प्रत्येक दिन, आप भगवान शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, भगवान शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, व्यापार में वृद्धि होगी। दर्शकों, यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पा रही, पैसों की बहुत तंगी है, आप बहुत प्रयास किए फिर भी आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो आप शुक्रवार के दिन दो स्थानों पे दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिएगा। पहला दीपक आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और दूसरा दीपक आपको लगाना है भगवान शंकर जी के मंदिर में। जो व्यक्ति दो स्थानों पे दीप प्रज्वलित करते हैं, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। दर्शकों, यदि आपके घर में पैसों की बहुत तंगी है या आपके ऊपर कोई भी ग्रह चल रहा है, जैसे शनि का ग्रह चल रहा है, तो आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करें। पीपल के वृक्ष में सुबह के वक्त आप एक लोटा जल समर्पित करें और प्रदोष काल में एक सरसों के तेल का दीप यदि आप प्रज्वलित करते हैं, तो आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी, ग्रह दोष दूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।